यानी कि COP29 के पक्षकारों का सम्मेलन अजरबैजान के बाकू में चल रहा है, जिसमें जलवायु संकट से निपटने पर मंथन हो रहा है। लेकिन कार्बन बॉर्डर टैक्स का विकासशील देश क्यों विरोध कर रहे हैं? पेश है एक रिपोर्ट। लंबे समय से चले आ रहे भू राजनीतिक मतभेदों के बावजूद भारत और चीन बाकू में COP29 शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के प्रस्तावित कार्बन बॉर्डर टैक्स का विरोध करने के लिए साथ साथ खड़े हैं। टैक्स का उद्देश्य उत्सर्जन में कटौती करते हुए यूरोपीय संघ में बने सामानों के उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे आयातित सामानों पर शुल्क लगाना है। हालांकि भारत और चीन जैसे विकासशील देशों का तर्क है कि टैक्स संयुक्त राष्ट्र के जलवायु सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर उल्टा असर डालता है। Whatever are the sectors which it may identify, let's say it is aluminum, steel, cement, fertilizer, whatever the big exporting sectors to the EU, they will also face the same level of carbon price as a EU producer faces domestically within the EU, right? Now this whole process is called carbon border adjustment mechanism, and that's why even if you look at the mechanism, it is carbon border adjustment mechanism. COP29 शिखर सम्मेलन विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता सहित महत्वपूर्ण जलवायु मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत और चीन ने CBDR के सिद्धांतों की याद दिलाई है, जिसमें कहा गया है कि कार्बन बॉर्डर टैक्स जैसी एक तरफा कार्रवाई जलवायु लक्ष्यों पर वैश्विक सहयोग में बाधा डालती है। That means all of us are impacted by it. All the countries and all the citizens of the world are impacted by it, and all of us have to work towards solving the problem together in a cooperative manner. So that's the common part of it. The differentiated part is very important. The differentiated part is because we have different capabilities. Capabilities means, let's say, US and Europe are a lot more richer, very high per capita incomes. They're also got a lot of investment in innovation, technology development, those kinds of things. So they have different capabilities as compared to developing nations and even a much lower, income nations like the African nation. COP29 में जलवायु वित्त की कमी एक प्रमुख मुद्दा बनकर उभरी है। विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन के गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यूरोपीय संघ उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए एक आवश्यक कदम के रूप में कार्बन बॉर्डर टैक्स का बचाव कर रहा है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसे उपाय अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को नुकसान पहुंचाते हैं और स्थायी भविष्य की दिशा में दुनिया के विकास को खतरे में डालते हैं।